हे गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ फेसबुक के ऊपर। तो आजकल हर कोई फेसबुक यूज करता है, और अगर आप मान लो कहीं बाहर हो तो आप उसमें मान लो कभी फेसबुक लॉगिन कर रहे हो या किसी और के फोन में लॉगिन कर रहे हो, और हो सकता है उसको पता चल जाए आपका पासवर्ड क्या है, तो आपको डर रहता है कि बाद में कहीं वो यूज ना कर ले। तो इसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो लाया हूँ। इसमें है कि आपको किसी को पता भी चल जाएगा आपका पासवर्ड, फिर भी वो बिना आपके इजाजत के उसमें लॉग इन नहीं कर सकता। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और यहाँ से हम जाएंगे फेसबुक पर। तो हमने कर लिया ओपन फेसबुक, तो यहाँ से हमें जाना है। ओके, आगे चलते हैं हम यहाँ से। उसके बाद नीचे चलेंगे, यहाँ पे हेल्प और सॉरी यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी है। ओके, तो इसको ओपन करके हम आगे जाते हैं सेटिंग पर। ओके, हम सेटिंग पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर। ओके, हम आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो हमें अभी यहाँ पे जाना है। ओके, तो हम चलते हैं अब आगे। तो पहले बता देता हूँ मैं इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे आप अगर इसको आगे करते हैं तो यहाँ से आपका एक नंबर मांगा जाएगा जो आपका रजिस्टर है। तो इसमें यह है कि अगर आप कोई पासवर्ड डालने के बाद भी रजिस्टर करते हैं ना, अगर वहाँ पे इसमें पासवर्ड डालने के बाद भी एंटर करते हैं तो लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेशन ऐप। तो ये पहले अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन से ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट मैसेज। ओके, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाएगा नंबर। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ओके, तो हम इस नंबर को इससे कनेक्ट कर चुके हैं। तो इस पे अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोड मांग रहा है। ओके, तो हम अगर अभी हमारा कोड आ रहा है। ओके, आप देख सकते हैं आ चुका है हमारे पास ओटीपी इसका। ओके, अब मैं ओटीपी एंटर करता हूँ इसमें। ओके, ये देख सकते हैं ये मेरा ओटीपी है, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ इसमें। ओके, मेरे पर दो दो ओटीपी आ चुका था, मैंने पहले भी करा था, तो मुझे अभी दूसरा वाला डालना है। ओके, तो मैंने उसे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है ओटीपी। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को पासवर्ड मांग रहा है जो मेरा इसका जो मेरी फेसबुक आईडी का पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड डालता हूँ। ओके, तो मैंने पासवर्ड डाल के कंफर्म कर दिया है। अब आगे चलते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन। तो अब जो है ये हमारा ऑन हो चुका है। अब अगर हम इसमें लॉगिन करते हैं तो हमारे नंबर पे एक SMS आएगा, और वो SMS अगर वो अगर हम कोड डालेंगे तभी लॉगिन होगा, वरना यूज़र नेम और पासवर्ड पता होने के बाद भी कोई लॉगिन नहीं कर सकता बिना OTP के। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हो चुका है पूरा। अब मैं चलता हूँ बैक। अभी मैं दिखाऊंगा आपको दोबारा लॉगिन करके। तो ये मैं आ गया दूसरे फ़ोन पे। तो मैंने दूसरे फ़ोन पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन कोड मांग रहा है। तो मेरे दूसरे फ़ोन में कोड आया है, तो अभी मैं इसमें वो कोड डालूँगा। थोड़ा टाइम लग रहा है कोड आने में, तो मैं इसमें कोड डालूँगा अपना, फिर जाके कंटिन्यू करूँगा तो लॉगिन होगा। तो थोड़ा टाइम लग रहा है कोड आने में, देखते हैं आगे। ओके, तो मेरे पे OTP आ चुका है इसका लॉगिन कोड, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया, अब कंटिन्यू करता हूँ। लॉगिन होने में टाइम लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, लॉगिन हो चुका है मेरा। ओके, लोकेशन ऑन करने को कह रहा है, तो हम डिनाई कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं मेरा दूसरे फ़ोन में लॉगिन हो चुका है, और इसमें मेरे को यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद भी मेरे से कोड मांगा गया था।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको ये प्रोसेस करने में, या फिर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।